Hello students, so welcome to Ratne tutorial, and in this class we are going to discuss about pancreas. Hum log pad rahe hain unit 5 aur unit 5 ka naam hai human physiology. Human physiology mein jo chapter hum log pad rahe hain us chapter ka naam hai digestion and absorption, and aaj ka topic hai, today's topic is pancreas. जी हाँ, पैनक्रियाज डाइजेस्टिव ग्लैंड है और हम लोग ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हुए पहुंचे हैं पैनक्रियाज तक. ठीक है, मैं हूँ प्रतीक रत्न और मैं आप लोगों के साथ रत्न ट्यूटोरियल पर पढ़ता हूँ बायोलॉजी. तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक. तो आज हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि पैनक्रियाज होता क्या है. तो पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड. मिक्स्ड कहने का मतलब होता है वैसा ग्लैंड जिसमें एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन दोनों नेचर हो. राइट, एंडोक्राइन कहने का मतलब होता है वैसा ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करे और ये डक्टलेस भी होते हैं. वेयर एज ये एक्सोक्राइन प्रॉपर्टी भी शो करता है, और एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं जो एंजाइम सिक्रीट करते हैं, एंड ये डक्ट, इनके पास डक्ट होता है. ठीक है, तो ये अपने सिक्रीशंस डक्ट के थ्रू टारगेट तक पहुंचाते हैं, जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड ब्लड स्ट्रीम से हार्मोन्स को टारगेट तक पहुंचाता है. और वैसे ग्लैंड जिनमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर होता है उन्हें कहते हैं मिक्स्ड ग्लैंड. राइट, तो पैनक्रियाज इज अ मिक्स्ड ग्लैंड लोकेटेड बिहाइंड द स्टोमक. ठीक है, स्टमक के पीछे एंड सराउंडेड बाई स्प्लीन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. सो यहाँ पर इस डायग्राम को जब हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज अ पैनक्रियाज. राइट, अब अगर इसको हम लोग और बेहतर तरीके से समझना चाहे तो देखो ये है इसोफेगस, दिस इज इसोफेगस, और यहां से शुरू होता है स्टमक. अब स्टमक के पीछे यानी कि स्टमक कुछ ऐसा स्टमक होगा, और इसके पीछे ये जो पार्ट हमें दिख रहा है दिस पार्ट इज पैनक्रियाज. इट इज सराउंडेड बाय स्मॉल इंटेस्टाइन लीवर एंड स्प्लीन. तो देखिए ये हो गया अपना स्टमक, और इसके ऊपर यहां पर प्रेजेंट होता है लीवर. राइट, तो ये लीवर, तो एक तरफ से तो लीवर से सराउंडेड हो गया, दूसरी तरफ से ये है स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट ड्यूडेनम, एंड यहां पर प्रेजेंट होता है जेजुनम. ठीक है, तो ड्यूडेनम और जेजुनम से ये सराउंडेड हो गया, एंड इस साइड पर प्रेजेंट है स्प्लीन. तो पैनक्रियाज बेसिकली कहां प्रेजेंट है, स्टमक के पीछे, बिहाइंड द स्टमक एंड सराउंडेड बाय स्प्लीन लीवर एंड स्मॉल इंटेस्टाइन. इज इट क्लियर? ओके, सो नाउ इट इज अ वाइटल पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम. बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है, ग्लूकोज का जो लेवल है, उसको रेगुलेट करने में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. कौन? पैनक्रियाज. तो कैसे करता है वो अभी हम लोग आगे देखेंगे. ठीक है, तो चलिए इसके आगे जो नेक्स्ट होगा ये है एक डायग्राम पैनक्रियाज का, और इसको हम लोग देखते हैं, इसको लेबल कर लेते हैं पहले. तो बेसिकली पैनक्रियाज का लोकेशन तो क्लियर है. अब देखो ये पैनक्रियाज होता कैसा है, ये एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है इसको कहते हैं पैनक्रियाज. ठीक है, और इसके ऊपर जो ये ग्रीन कलर का जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये बैग लाइक स्ट्रक्चर है, इसको कहते हैं गैलब्लैडर. गैलब्लैडर से जो डक्ट निकलता है, ठीक है, गैलब्लैडर से जो डक्ट निकलता है और पैनक्रियाज, सॉरी, गॉल ब्लैडर से जो डक्ट निकलता है उसको कहते हैं बाइल डक्ट, कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, इसमें गॉल ब्लैडर का दो डक्ट है, हेपेटिक डक्ट जो लीवर के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो आपस में मिलते हैं और फिर बनता है कॉमन बाइल डक्ट. ठीक है, इसके बाद जो डक्ट पैनक्रियाज से निकलते हैं उनको कहते हैं एसेसरी पैनक्रियाटिक डक्ट. This is accessory pancreatic duct, okay? And then this part is duodenal papilla. ये जो opening है जहां पर gallbladder, common bile duct and pancreatic duct open होते हैं, इस opening को कहते हैं duodenal papilla. और
बाकी का जो ये पार्ट, ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है, दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर इज नोन एज ड्यूडेनम विच इज अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके, तो ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट. नाउ अगर इसको हम और डिटेल में देखें तो ये पेनक्रियाज के सेल्स है, और पेनक्रियाज में देखिए ये पार्ट, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है, ये जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स है इनको कहते हैं पेनक्रिएटिक एक्नी, ठीक है. और ये होता है एक्सोक्राइन नेचर का, ठीक है. ये कैसा नेचर का होता है? एक्सोक्राइन नेचर का. जबकि ये जो पूरा पर्पल कलर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये है पेनक्रिएटिक आइसलेट, और इसी का दूसरा नाम है आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, और ये इंडोक्राइन नेचर का होता है, ठीक है. तो ये कैसा है? इंडोक्राइन सेल है. और बाकी ये सारे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये सब है पेनक्रिएटिक डक्ट्स, ठीक है. तो ये है पेनक्रिएटिक डक्ट एंड दीज आर पेनक्रिएटिक एक्नी एंड दिस इज नोन एज आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, राइट. तो ये है पेनक्रियाज का एक स्ट्रक्चर, ठीक है. पेनक्रियाज के स्ट्रक्चर के बाद हम लोग एक बार फिर से बात करेंगे लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज की, ठीक है. तो द पेनक्रियाज इज लोकेटेड इन द एब्डोमेन, एब्डोमेन में लोकेटेड होता है. अ पार्ट ऑफ इट इज प्लेस्ड बिटवीन द स्टमक एंड स्पाइन, स्टमक और स्पाइन के बीच में इसका एक पार्ट प्लेस्ड होता है, ठीक है. द अदर पार्ट फाइंड्स इट्स प्लेस इन द कर्व ऑफ द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन नॉन एज ड्यूडेनम. तो बाकी पार्ट जो है किसका? पेनक्रियाज का. वो एक कर्व, जो स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट का जो कर्व होता है उसमें प्रेजेंट होता है. और स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट सेक्शन को क्या कहते हैं? ड्यूडेनम कहते हैं. तो ये कुछ ऐसा होगा कि ये हो गया अपना इसोफेगस, ठीक है. और ये ऐसे, ये है स्टमक एंड दिस इज ड्यूडेनम. तो इस कर्वेचर में प्रेजेंट होता है, राइट. इस कर्वेचर में प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से इसे हम क्या कहते हैं, और इसी की वजह से हमें यहां पर प्रेजेंट है पैनक्रियाज, ठीक है. तो ये यहां से स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू, स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट कर्वेचर में प्रेजेंट होता है क्या? पैनक्रियाज. द हेड of the pancreas is on the right side of the abdomen and is connected with the duodenum through the pancreatic duct, ठीक है. तो ये जो पार्ट होगा पेनक्रियाज का, जहां से वो ड्यूडेनम से कनेक्टेड है, वो पार्ट है हेड, ठीक है. उस पार्ट को क्या कहते हैं? हेड ऑफ द पेनक्रियाज, ठीक है. और वो किसे कनेक्टेड होता है? ड्यूडेनम से थ्रू पेनक्रिएटिक डक्ट, राइट. द टेल ऑफ द पेनक्रियाज एक्सटेंड्स to the left side of the body, ठीक है. तो बॉडी के लेफ्ट साइड में कौन सा पार्ट है? टेल प्रेजेंट है, ठीक है. तो पेनक्रियाज का हेड किधर प्रेजेंट है? ड्यूडेनम से अटैच्ड है थ्रू पेनक्रियाटिक डक्ट. एंड जो राइट, जो लेफ्ट साइड का पार्ट है, जो स्प्लीन के साइड का पार्ट है, वो है टेल ऑफ द पेनक्रियाज, ओके. नाउ ये तो हो गया लोकेशन ऑफ पेनक्रियाज, ठीक है. इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ पेनक्रियाज, पेनक्रियाज का स्ट्रक्चर कैसा होता है? तो पैनक्रियाज इज इलोंगेटेड 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है. लेंथ कितना है? 12 टू 15 सेंटीमीटर लेंथ है इसका, ठीक है. 12 टू 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, कंसिस्टिंग ऑफ हेड, बॉडी एंड टेल. हेड किधर है और टेल किधर है, मैंने पहले ही बता दिया. जो ड्यूडेनम की तरफ है उसको हेड, और जो स्प्लीन की तरफ है उसको टेल कहते हैं. बीच का पार्ट बॉडी होगा. इट इज लोकेटेड पोस्टेरियर टू स्टमक, स्टमक के पोस्टेरियर साइड में है. विद इट्स हेड इन द कर्व ऑफ ड्यूडेनम द बॉडी एंड टेल एक्सटेंड्स लैटरली, ठीक है. द टेल टचेज द स्प्लीन, टेल किसको टच करता है? स्प्लीन को टच करता है, राइट. नाउ पेनक्रियाज इज कंसिडर्ड एज मिक्स्ड ग्लैंड as it acts as exocrine and endocrine gland, right? As exocrine gland, pancreas secretes digestive enzymes into pancreatic duct, ठीक है. तो pancreas exocrine nature क्या है? कि ये digestive enzymes बनाता है, ठीक है. और किसमें secrete करता है? pancreatic duct में. क्योंकि मैंने पहले ही बताया जो exocrine glands होते हैं वो कैसे होते हैं? duct with duct होते हैं. और endocrine कैसा होता है? ductless होता है. तो इसका डक्ट है और उसको क्या कहते हैं? पेनक्रिएटिक डक्ट, राइट. नाउ
एज इंडोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स हार्मोन इनटू ब्लड, ठीक है. ओनली अबाउट 1% ऑफ द टोटल वेट ऑफ ग्लैंड एक्ट एज इंडोक्राइन, मतलब जो इसका इंडोक्राइन नेचर है वो सिर्फ इसका कितना परसेंट है, 1% है, ठीक है. तो पैनक्रियाज के वेट का 1% पार्ट क्या है, इंडोक्राइन है. एंड जो पोर्शन इंडोक्राइन है उसको क्या कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है, क्या कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके ओके. एक एडल्ट में पैनक्रियाज का नंबर 2 लाख से लेकर के, सॉरी, एक एडल्ट में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो नंबर होगा वो 2 लाख से 20 लाख तक हो सकते हैं. एक एडल्ट पैनक्रियाज में आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का जो नंबर होगा वो 2 लाख टू 20 लाख हो सकते हैं. ओके चलिए, उसके बाद इंडोक्राइन पोर्शन हम लोग देख लेते हैं. और इंडोक्राइन पोर्शन को क्या कहते हैं, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस विच इज अ ग्रुप ऑफ सेल. आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है. अब कौन कौन से सेल्स इसमें है, तो इनमें है पहला अल्फा सेल, दूसरा बीटा सेल, तीसरा डेल्टा सेल एंड फोर्थ वन इज एफ सेल और पीपी सेल. अल्फा सेल प्रोड्यूसेस ग्लूकागॉन, राइट. ग्लूकागॉन क्या है, एक हार्मोन है. ग्लूकागॉन इज अ हार्मोन, राइट. ग्लूकागॉन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, क्या करता है, प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ग्लूकोज रेगुलेशन. अभी स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि पैनक्रियाज ब्लड ग्लूकोज लेवल को रेगुलेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. और वो कैसे करता है, बाय द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकागॉन, राइट. लो ब्लड ग्लूकोज लेवल स्टिमुलेट्स इट्स रिलीज. जैसे ही बॉडी में ग्लूकोज का लेवल लो होगा, ठीक है, तो क्या स्टिमुलेट होगा, अल्फा सेल स्टिमुलेट होगा. क्यों स्टिमुलेट होगा, टू प्रोड्यूस ग्लूकागॉन, राइट. उसके बाद है बीटा सेल. बीटा सेल क्या करता है, प्रोड्यूसेस इंसुलिन. ये तो सब सुना होगा, इंसुलिन आपने सुना होगा जरूर. इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. और इसकी डिफिशियंसी से क्या हो जाता है, डायबिटीज. तो बीटा सेल्स, कौन से सेल इंसुलिन सिक्रीट करते हैं, बीटा सेल्स ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. और आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स, कहां प्रेजेंट है, पैनक्रियाज में. ओके. एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज लेवल्स स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ इंसुलिन. ओके. नाउ द थर्ड type of cell which is present in the isolate of Langerhans is delta cell, and delta cell produces peptide hormones called somatostatin, right. क्या है, peptide hormone है और नाम क्या है, somatostatin. It is also an hormone, also a hormone, ठीक है. insulin क्या है, ये भी hormone है. मैं यहाँ पर indicate कर रहा हूँ, ये सारे के सारे hormone है, ठीक है. तो these are hormones. Pancreatic somatostatin inhibits the release of both glucagon and insulin. Insulin और glucagon के release को inhibit करता है कौन, somatostatin, ठीक है. तो somatostatin कहां से release होता है, delta cell से. और ये क्या करता है, inhibit करता है release of glucagon and insulin, right. जब ज्यादा amount में glucagon और insulin बनेगा तो उसको inhibit कौन करेगा, somatostatin. और कहां से सिक्रीट होगा, डेल्टा सेल से. अच्छा, somatostatin के बारे में एक बात और है कि ये हाइपोथैलेमस से भी सिक्रीट होता है और स्टमक से भी और इंटेस्टाइन से भी, ठीक है. तो somatostatin इज आल्सो रिलीज्ड बाय हाइपोथैलेमस एंड द स्टमक एंड इंटेस्टाइन, ठीक है. उसके बाद जो फोर्थ टाइप का सेल है ऑफ पैनक्रियाज, उसका नाम है एफ सेल और पीपी सेल, एंड इट प्रोड्यूसेस पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है. पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड हार्मोन्स कौन सीक्रेट करता है, एफ सेल्स या पीपी सेल्स. तो ये है इंडोक्राइन पोर्शन ऑफ क्या, पैनक्रियाज. ओके. अब देखो हिस्टोलॉजी एक बार, बीटा सेल अल्फा सेल कैसे होते हैं उसको देखो. तो ये तो हो गया अपना पैनक्रियाज. पैनक्रियाज में ये पार्ट है हेड, ये पार्ट है बॉडी, एंड दिस इज द टेल ऑफ द पैनक्रियाज, ठीक है. ये बाइल डक्ट है और इधर इंटेस्टाइन है जिसको ड्यूडेनम कहते हैं. यहाँ पर इस पार्ट को ड्यूडेनम कहते हैं और ये है पैनक्रियाटिक डक्ट. ये जो कंप्लीट स्ट्रक्चर है, दिस इज पैनक्रियाटिक डक्ट. ओके. अब देखो इसके अंदर जो ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं, ये क्या है, ये क्या है, आइसलेट्स,
islet of Langerhans. Okay, what is this? This is islet of Langerhans. और इसमें जो ये सारे येलो कलर के जो सेल्स दिख रहे हैं ये हैं बीटा सेल्स. ओके, तो येलो कलर वाले सेल्स कैसे हैं? बीटा सेल्स. ग्रीन कलर वाले सेल्स हैं डेल्टा सेल्स. ठीक है, और बाकी ये सारे क्या हैं? दीज आर ब्लड कैपिलरीज. ठीक है, और जो पिंक कलर के जो सेल्स हैं उनका नाम है अल्फा सेल्स. तो अभी हम लोगों ने देखा भी था अल्फा बीटा डेल्टा एंड पीपी सेल्स. और ये जो आपको पर्पल कलर के सेल्स दिख रहे हैं ये हैं पीपी सेल्स. ठीक है, तो दीज आर द सेल्स विच आर प्रेजेंट इन द आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस. ओके, तो ये क्या था? हिस्टोलॉजी ऑफ पैनक्रियाज. ओके, उसके बाद हार्मोन्स का क्या फंक्शन है? हार्मोन्स कौन कौन से हैं पैनक्रियाज के और उनके फंक्शंस क्या क्या है? तो सबसे पहला हार्मोन क्या है यहाँ पर? ग्लूकागॉन. कहां से सिक्रीट होता है? अल्फा सेल से. ठीक है, तो अल्फा सेल इसको आप प्रोडक्शन भी करता है, स्टोरेज भी करता है एंड सिक्रीशन भी करता है. किसका? ग्लूकागॉन का. ठीक है, ग्लूकागॉन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोनियो ग्लाइकोजेनोलाइसिस. ठीक है, तो ग्लूकागॉन क्या करता है? ग्लाइकोजेनोलाइसिस करता है. ग्लाइकोजेनोलाइसिस जानते हैं? लैक्टिक एसिड. मैंने हिपेटिक सॉरी लीवर वाले वीडियो में मैंने फंक्शन ऑफ लीवर वाले में मैंने बता रखा है कि लैक्टिक एसिड. ठीक है, लैक्टिक एसिड को जब ग्लाइकोजेन में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस. एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस में क्या होता है कि नॉन कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बनता है. ठीक है, नॉन कार्बोहाइड्रेट से बनता है क्या? ग्लूकोज. ओके, यहाँ ग्लाइकोजेन है एंड यहाँ पर ग्लूकोज है, ये याद रखिएगा. ये नॉन कार्बोहाइड्रेट से और वो लैक्टिक एसिड से. तो नॉन कार्बोहाइड्रेट क्या क्या हो सकता है? जैसे कि अमीनो एसिड है ना, एंड फैटी एसिड एक्सेट्रा. तो इसको क्या कहते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, तो ये हो गया किसके बारे में? दिस इज द फंक्शन. ये हो गया ग्लाइकोजेनोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस. ठीक है, इसके अलावा इंक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल को कौन इंक्रीज करता है? ग्लूकागॉन. इसके अलावा जो दूसरा हार्मोन है वो है इंसुलिन, और किससे सिक्रीट होता है? बीटा सेल से. प्रोड्यूसेस स्टोरेज एंड सिक्रीशन करता है किसका? इंसुलिन का. ठीक है, इंसुलिन स्टिमुलेट्स ग्लाइकोजेनेसिस. ठीक है, ग्लाइकोजेनेसिस क्या होता है बता सकते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस होता है ग्लूकोज से ग्लाइकोजन में कन्वर्जन. ठीक है, एंड डिक्रीजेस ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है एंड स्टोर ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर एंड मसल्स. ठीक है, तो ये काम किसका है? इंसुलिन का. इंसुलिन फंक्शन अपोजिट टू ग्लूकागॉन एंड वर्क टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज नॉर्मल लेवल इन ब्लड. ठीक है, शुगर लेवल इन ब्लड. तो इंसुलिन का काम ठीक उल्टा है किसके? ग्लूकागॉन के. और ये ब्लड शुगर के लेवल को ब्लड में नॉर्मल शुगर लेवल को ये मेंटेन करने में हेल्प करता है. ये हो गया फंक्शन ग्लूकागॉन और इंसुलिन का. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है इसके डिसऑर्डर्स. ठीक है, तो किसके डिसऑर्डर? इंसुलिन के डेफिशिएंसी या हाइपरसिक्लेशन से क्या होगा? तो सबसे पहला डिसऑर्डर डायबिटीज मेलाइटिस. मैंने पहले बताया था कि इंसुलिन की वजह से डायबिटीज भी होता है. तो कंडीशन कॉज्ड बाय डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शन ऑफ द बीटा सेल्स. ठीक है, बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज और सेलुलर रेजिस्टेंस टू इंसुलिन दैट रिजल्ट इन एबनॉर्मली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल्स. ठीक है, एबनॉर्मली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल जब होगा तो उसको क्या कहेंगे? डायबिटीज मेलाइटिस. और ये क्यों हो सकता है? बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज के डिस्ट्रक्शन और डिसफंक्शन की वजह से. दूसरा डिजीज हाइपरग्लाइसीमिया. हाइपरग्लाइसीमिया का मतलब होता है एबनॉर्मली हाई ब्लड ग्लूकोज लेवल. ब्लड ग्लूकोज लेवल जब हाई होगा तो बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया, और जब लो होगा तो बोलेंगे हाइपोग्लाइसीमिया. ओके, उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ हार्मोन है वो है सोमेटोस्टेटिन, और ये ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों के सिक्रीशन को इनहिबिट करता है. ओके, तो ये हो गया किसके बारे में?
सोमैटोस्टैटिन के बारे में, ठीक है। उसके बाद इसमें प्रेजेंट है पैनक्रियाटिक जूस, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस कौन सिक्रीट करता है? लिवर से, पैनक्रियाज सिक्रीट करता है, ठीक है। पैनक्रियाज सिक्रीट कर, हार्मोन के अलावा पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस भी सिक्रीट करता है। और इस इसके बारे में चलिए देखते हैं। पैनक्रियाटिक जूस इज अ लिक्विड सिक्रेटेड बाय द पैनक्रियाज दैट कंटेन अ वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, बहुत सारे टाइप के एंजाइम्स इंक्लूडिंग ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, इलास्टेज, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, पैनक्रियाटिक लाइपेज, न्यूक्लियेजेस एंड एमाइलेज। ये सारे टाइप के जो एंजाइम्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं किसमें? पैनक्रियाटिक जूस में, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस इज अल्कलाइन नेचर, कैसा होता है? अल्कलाइन नेचर के होते हैं इन नेचर ड्यू टू इट्स हाई कंसेंट्रेशन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। इसमें बाइकार्बोनेट आयंस काफी हाई कंसेंट्रेशन में प्रेजेंट होते हैं, इसकी वजह से इसका नेचर कैसा होता है? अल्कलाइन होता है। दैट न्यूट्रलाइजेस द गैस्ट्रिक एसिड एंड अलाउज इफेक्टिव एंजाइम एक्शन। ओके, मतलब कि जो जैसे स्टमक से जब काइम इंटेस्टाइन में एंटर करता है तो स्टमक के एसिडिक मीडियम होने की वजह से काइम का नेचर कैसा होता है? एसिडिक। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पैनक्रियाज जो होता है, पैनक्रियाज का जो अल्कलाइन नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि दूसरे एंजाइम्स का एक्शन उस पर हो सके, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीशन इज रेगुलेटेड बाय हार्मोन्स सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, ठीक है। दो हार्मोन्स है सिक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन, और ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं सिक्रीशन ऑफ पैनक्रियाटिक जूस। ओके, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द वॉल ऑफ ड्यूडेनम अपॉन डिटेक्शन ऑफ एसिड फूड प्रोटीन्स फैट्स एंड विटामिन्स। ये दोनों हार्मोन ड्यूडेनम से सिक्रीट होते हैं अपॉन डिटेक्शन ऑफ एसिड फूड प्रोटीन्स फैट्स एंड विटामिन्स। ओके, पैनक्रियाटिक सिक्रीशन कंसिस्ट ऑफ एन एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट फ्रॉम द डक्ट सेल्स एंड द एंजाइमेटिक कंपोनेंट फ्रॉम द एकाइनर सेल्स, ठीक है। मैंने दो टाइप के सेल्स बताए थे, एकिनी और एक बताया था मैंने डक्ट्स। तो डक्ट से एक्वस बाइकार्बोनेट कंपोनेंट, ठीक है, बाइकार्बोनेट कंपोनेंट और एंजाइमेटिक कंपोनेंट एकाइनर सेल से। जो बहुत सारे ऐसे ऐसे सेल्स थे ना, बहुत सारे डिस्क्लेव्ड सेल्स थे और ऐसे करके वो सब कनेक्टेड थे और बीच में एक बड़ा सा आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस था, इसमें बहुत अलग अलग टाइप के सेल्स थे, उस वाले डायग्राम में मैंने बताया था। आप रिवाइंड करके देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है पैनक्रियाटिक जूस के बारे में। एंड उसके बाद ये है स्ट्रक्चर, इसमें हम लोग देख सकते हैं कहां पर क्या प्रेजेंट है। तो ये है एकाइनर सेल्स, दीज आर एकाइनर सेल्स, ठीक है, दीज आर एकाइनर सेल्स। और ये है, ठीक है, ये क्या है? डक्ट, ठीक है। तो यहां से सिक्रीट होता है क्या, इससे क्या सिक्रीट होता है? डक्ट से सिक्रीट होता है बाइकार्बोनेट कंपोनेंट और एकाइनर सेल से एंजाइमेटिक कंपोनेंट, ठीक है। बिकॉज ऑफ पैनक्रियाज इज शॉर्ट ऑफ स्टोरेज डिपोट फॉर डाइजेस्टिव एंजाइम्स, इंजरी टू द पैनक्रियाज इज पोटेंशियली फेटल। अ पंक्चर ऑफ द पैनक्रियाज जनरली रिक्वायर्स प्रॉम्प्ट एंड एक्सपीरियंस्ड मेडिकल इंटरवेंशंस। ओके, इसका मतलब कि पैनक्रियाज में, पैनक्रियाज एक स्टोरेज डिपोट है डाइजेस्टिव एंजाइम का, ठीक है। तो अगर पैनक्रियाज में इंजरी होगी तो वो फेटल हो सकता है, ठीक है, मतलब डेडली हो सकता है। एक छोटा सा पंक्चर पैनक्रियाज की में अगर हो जाता है तो फिर आपको एक मेडिकल सुपरविजन, मेडिकल इंटरवेंशन की जरूरत होती है, क्योंकि वो एक सीवियर केस हो सकता है, ठीक है। अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स कॉजेज हाई प्रेशर विद इन पैनक्रियाटिक डक्ट्स, पैनक्रियाटिक डक्ट रप्चर एंड पैनक्रियाटिक जूस लीकेज कॉजेज पैनक्रियाटिक सेल्फ डाइजेशन। पैनक्रियाज के डक्ट में हाई प्रेशर होता है बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से, और उसकी वजह से पैनक्रियाज का डक्ट रप्चर हो सकता है, पैनक्रियाटिक जूस लीक हो सकते हैं। और जैसे ही ये जूस क्या है, ये जूस क्या है, एंजाइम है,
है ना, तो एंजाइम लीक होगा तो पेनक्रियाज का सेल्फ डाइजेशन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी एक सीवियर कंडीशन क्रिएट कर सकता है। अब पेनक्रियाज के एंडोक्राइन नेचर की बात तो हो गई, अब है पेनक्रियाज का एक्सोक्राइन फंक्शन, ठीक है, यानी कि एंजाइम्स वाला फंक्शन। तो एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज, अभी हम लोग जो नेक्स्ट सब हेडिंग डाले हुए हैं वो है एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ पेनक्रियाज। द पेनक्रियाज सिंथेसाइजेस इट्स एंजाइम इन द इनएक्टिव फॉर्म, द पेनक्रियाज सिंथेसाइजेस इट्स एंजाइम्स इन द इनएक्टिव फॉर्म नॉन एज जाइमोजेंस, ठीक है, टू अवॉइड डाइजेस्टिंग इटसेल्फ। पेनक्रियाज में जो एंजाइम्स है वो कैसे होते हैं, इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं और उनको क्या कहते हैं, जाइमोजेंस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर वो एक्टिव फॉर्म में होंगे तो सेल्फ डाइजेशन हो सकता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, राइट। द एंजाइम्स आर एक्टिवेटेड वंस दे रीच द स्मॉल इंटेस्टाइन, एंजाइम्स कब एक्टिवेट होते हैं, जब वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक पहुंच जाते हैं, यानी कि अगर वो पेनक्रियाज में होगा तो क्या हो सकता है, पेनक्रियाज का सेल्फ डाइजेशन हो सकता है। ओके ओके, द पेनक्रियाज आल्सो सिक्रीट्स बाइकार्बोनेट आयंस फ्रॉम द डक्टल सेल्स टू न्यूट्रलाइज द एसिडिक काइम, एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करता है फ्रॉम द स्टमक चर्न्स आउट। ये मैंने पहले ही बताया कि स्टमक से जो काइम आता है, इस स्टमक के एसिडिक मीडियम होने की वजह से वो काइम भी एसिडिक मीडियम को हो जाता है, और उसकी वजह से एंजाइम्स का प्रॉपर उस पर एक्शन नहीं हो पाएगा, तो उसको न्यूट्रलाइज करना होगा। न्यूट्रलाइज करने के लिए जो पेनक्रियाज में का जो में बाइकार्बोनेट आयंस प्रेजेंट होते हैं, उसकी वजह से पेनक्रियाटिक जूस जो होता है अल्कलाइन नेचर का होता है, और वो काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। ओके, नाउ द एक्सोक्राइन फंक्शन ऑफ द पेनक्रियाज इज कंट्रोल्ड बाय द हार्मोन्स गैस्ट्रीन, cholecystokinin and secretin, which are hormones secreted by cells in stomach and duodenum in response to food. ठीक है, तो ये मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि पेनक्रियाज का जो सिक्रीशन है वो कंट्रोल होता है गैस्ट्रीन, cholecystokinin and secretin से। ठीक है, the two major proteases that the pancreas synthesizes are trypsinogen and chymotrypsinogen. These zymogens are inactivated forms of trypsin and chymotrypsin. तो ये trypsinogen और chymotrypsinogen ये pancreas से synthesize होते हैं, और ये दोनों कैसे हैं? ये दोनों कैसे हैं? Inactive हैं। ठीक है? ये दोनों inactive हैं। Chymotrypsinogen active होके क्या बनेगा? Active होकर ये बनता है trypsin। ओके उसी तरह जो काइमोट्रिप्सिनोजेन है ये भी इनएक्टिव है ना, और ये बन जाता है काइमोट्रिप्सिन। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे, वो एक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, वंस रिलीज्ड इन द इंटेस्टाइन द एंजाइम इंटेनोकाइनेज व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एक्टिवेट्स ट्रिप्सिनोजेन बाय क्लीविंग इट टू फॉर्म ट्रिप्सिन। तो इंटेस्टाइन में जो इंटेरोकाइनेज है वो इंटेस्टाइनल म्यूकोसा से सिक्रीट होता है, ठीक है, बनता है और सिक्रीट होता है, और वो क्या करता है, ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है। ठीक है, ओके, the free trypsin then breaks and rest of the trypsinogen and chymotrypsinogen to their active forms, yani ki trypsinogen and chymotrypsinogen break hoga, free trypsin break hoga and the rest of the trypsinogen and chymotrypsinogen to their active forms, theek hai, break hoga aur active form mein convert hoga। Pancreatic secretions accumulate in small ducts that drain to the main pancreatic duct that drains directly into the duodenum. तो पैनक्रियाज का जो सिक्रीशन होगा वो इकट्ठा होगा स्मॉल डक्ट्स में, छोटे छोटे डक्ट्स में, और वो सारे डक्ट से वो सिक्रीशन ड्रेन किया जाएगा, कहां भेजा जाएगा,
पेनक्रिएटिक डक्ट में, मेन पेनक्रिएटिक डक्ट में, और वहां से वो डायरेक्टली ड्यूडेनम में रिलीज आउट हो जाता है. ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ पेनक्रियाज. ठीक है, तो पेनक्रियाज के बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया. इस लेक्चर में हम लोगों ने पेनक्रियाज के एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों नेचर को डिस्कस किया है. आई होप आपको समझ में आया होगा. अगर आपको रत्न ट्यूटोरियल के लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को अपने फ्रेंड्स तक शेयर करें, ताकि वो वहां तक भी पहुंच पाए और अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इसका हेल्प ले सके. आज के लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे फिर दूसरे लेक्चर में इसके आगे के टॉपिक के साथ. तब तक के लिए थैंक यू.